ऑल राइट, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ कनाडा से, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुशाल जून फ्रॉम न्यू दिल्ली. इज दैट राइट? सही नाम बोल रहा हूँ मैं आपका? हाँ सर, कुशल जून, कुशाल जून, कुशल ठीक है. जून, और कर कुशल, लीजिए आपने कुशल। मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हैं, आपने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हैं जो ये जॉब ऑफर के हैं, वर्क परमिट के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं. इसके बारे में कहानी हम लोग बाद में शुरू करेंगे, पहले आप ये बताएं कि आप करते क्या हैं दिल्ली में. सर एक्चुअली मैं होटल मैनेजमेंट किया हुआ हूँ और मैं चेन्नई में जॉब करता था। तो भी कोविड-19 के कारण मेरी जॉब चली गई थी, तो मैं आजकल फिर डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर जॉब ढूंढ रहा था। तो वैसे ही मैंने क्विकर पे अप्लाई किया था और मुझे ईमेल आया था इनकी तरफ से कि मुझे सेलेक्ट कर लिया है, एंड स्कैन कॉपी वगैरह मांगी मैंने, दे दिया उन्हें, फिर उनके आगे जो मैंने आपको दिखाया वही सब। थोड़ा सा यहीं पर रुकते हैं कि आपने क्विकर पे अप्लाई किया, और क्विकर में जो जॉब एड्स वगैरह दिए होते हैं उसमें हाँ उन्होंने सर, क्या क्या लिखा था? वो कोई कंसल्टेंट हैं, एजेंट हैं, कंपनी है, उनका क्या डिस्क्रिप्शन क्या था उनका? सर देखो मैं क्लियरली बताता हूँ, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने काफी सारी जॉब पे अप्लाई किया था। इन्होंने खुद ही ईमेल में मेंशन किया था कि इन्हें मेरा रेफरेंस क्विकर से मिला है, तो मुझे चलिए, तब पता चला कि नो, अच्छा इन्होंने क्विकर से मिला था क्योंकि मैंने काफी जगह अप्लाई किया था सर। पिछले 3-4 साल से मेरे काफ़ी वीडियोस, मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूँ ऐसे जिनको जॉब मिली है, और आज तक कभी ऐसा कोई क्लिक नहीं हुआ कि भाई कोई असली जॉब किसी को मिल जाए. तो वे क्विकर पे हो या कहीं और पे हो, तो ज़रूरी ज़रूरी नहीं है कि ये लोग कनाडा की कंपनी हो सकता है कि कोई और लोग हो सकते हैं कि क्विकर पे लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि कनाडा का जॉब देने के बहाने उनसे पैसे ऐंठने हैं, तो ये हो सकता है. बाकी चलिए देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, ये क्या भेजा है. ये जो जिसने लिखा है ऊपर, सिटीजनशिप इमिग्रेशन का एक सील बनाई है, रेफरेंस कुशल जून विद रेफरेंस टू ब्ला ब्ला ब्ला, बैरिस्टर आइलीन मार्टिन, ये सब ये डॉक्यूमेंट नकली हैं भाई साहब. अच्छा सर, ये जो डॉक्यूमेंट्स जो बना के भेजे हैं ना, पहली बात तो बड़ी हंसी आती है कैसे लोगों ने इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके बना दिया. ये जॉब नकली है, पेपर नकली है, और एक LMIA का भी उन्होंने आपको कुछ भेजा है, LMIA का हाँ नाम सर, ये लेके बात भेजा है है, ये भी नकली है भाई साहब. ये तो पूरा ही सर। पूरा सरासर उसमें नकली है. इसमें अगर आप मेरे नाम पे जाओगे तो सेकंड पेज पे करना सर, सेकंड पेज पे तो जा रहा हूँ. हाँ, हाँ तो बोले. ये देखो इन्होंने नाम में ही गड़बड़ कर दिया, लास्ट नेम में कुशल डाल दिया, फर्स्ट नेम में जून डाल दिया, और जबकि मेरा नाम है कुशल जून, फर्स्ट नेम कुशल होना चाहिए। या इससे मालूम पड़ रहा है, बहुत सारी बातें हैं जिससे मालूम पड़ रहा है कि ये कोई वहीं पर कोई, जैसे घर पे कोई कोरोना वायरस के टाइम पे घर पे बैठे बैठे कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाने का, और क्विकर पे जैसे आपको फंसाया, आपको ऑफर किया, अगर ऐसे अगर 100 लोगों को ऑफर किया, शायद कोई मछली जाल में फंस जाए, का तो फंसेगी महीने की, और उससे फिर थोड़े बहुत पैसे लिए जा सकते हैं. 21 पोजीशन फूड टेक्नोलॉजिस्ट लिखा है, बताइए फूड टेक्नोलॉजिस्ट को पता भी है फूड टेक्नोलॉजी होता क्या है, और नीचे कुछ और लिखा है. ये तो नकली कहने की ज़रूरत नहीं, सरासर ये तो एक वो है, मजाक है किसी का. फिर उसके बाद मैं जॉब ऑफर पे आ जाता हूँ, कूपर कॉलिंस फैमिली. ये क्या है यार, कूपर कॉलिंस फैमिली? डियर कुशल जून, मिस्टर कूपर कॉलिंस फैमिली, ये सब जो भी लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट आपको सैलरी मिलेगी $10,000 की. हाँ जी, क्या हुआ सर? 10,000 डॉलर की सैलरी लिखी है आपकी. वाह भाई वाह, योर प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ वर्क. दस बट हजार सर जी, 10,000 सैलरी जो है यहाँ अच्छे अच्छे वकीलों तक को नहीं मिलती, जो पर महीने अगर कोई काम करे, प्रोफेशनल जॉब करे. हमें लगता है कि 10,000 का झांसा देख के मतलब लोगों को शायद लगता है कि 5 लाख रुपए ज़्यादा हमें तनख्वाह मिलेगी. लो जी, हमें तो मज़े आ गए, चलते हैं कनेडा की तरफ. और तीसरा लेटर जो उन्होंने दिया है, ये भी देख लें, ये क्या है भाई साहब, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये वो. ये मैंने पहले फिल किया, उसके बाद उन लोगों ने मुझे 3 लेटर ये भेजे थे आज, ये मैंने पहले नहीं फिलअप करके दिया था। चलिए कोई बात नहीं, जो भी कुछ है आपने पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, तेलंगपुर कोटला न्यू दिल्ली 41. कोटला कहाँ है? कोटला मुबारकपुर. नहीं सर, ये कोटला बिहार है एक्चुअली, ये नांगली नजफगढ़ रोड है, यहाँ पे उसके बीच अच्छा में पड़ता है।
नांगलोई की तरफ है ये। अच्छा जी हाँ ठीक जी है, चलिए कोई बात नहीं। ये है हाउस मैनेजर, ये है टेकिंग केयर ऑफ हाउस, 8,950 कैनेडियन डॉलर्स तनख्वाह, क्या बात है। मेथड ऑफ पेइंग कैश, फीडिंग फ्री, वाह क्या बात है। ऐसी जॉब तो अगर मिल जाए ना किसी को तो भाई मैं कह रहा हूँ कि बस कमाल ही हो जाए सबकी, बल्ले बल्ले हो जाए काम। सो ये सब ब्रदर ये सारा नकली है, और भी कुछ मैं देखता हूँ। आपने कुछ भेजा है मेरे को, ये क्या है, ये आपने कुछ भेजा है मेरे को, देख स्क्रीन पे दिख रहा है ये। अच्छा ये उन्होंने कोई मैसेज भेजे हैं आपको, हाउ यू डूइंग ओवर देयर, क्या इंग्लिश है। आई वुड लाइक टू से इट्स अ वंडरफुल डे इन टोरंटो, होप इट्स आल्सो वेल विथ यू एंड योर फैमिली ओवर देयर इन कंट्री एज वेल, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या इंग्लिश बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली हैप्पी विद गुड न्यूज रिसीव फ्रॉम आवर इमिग्रेशन लॉयर ओवर द कंप्लीशन ऑफ अ जॉब फॉर अप्रूवल विद द सीएस इमिग्रेशन सर्विस ऑफिस, ब्ला 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 ब्ला, क्या लिखा है, जैसे लिख रहा है जैसे कि शायरी लिख रही है। वी रियली दैट इज नोटिफाइड वी आर फॉरवर्ड ये सब ऑल्सो न्यूमिंग ग्रुप। अच्छा ये देखिए क्या लिखा है ये इस वाले पे, ऑल्सो नो दैट योर फाइल हैज़ बीन ग्रुप अंडर डिप्लोमेटिक प्रेफरेंस थ्रू आर एफर्ट बाई प्रोवाइडिंग यू नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू अ कैनेडियन सेक्टर दैट आर कंसर्न विद फॉरेन वर्कर। इंग्लिश क्या मारी है, ऐसे इंग्लिश देख के शेक्सपियर को भी थोड़ा सा वो शर्म आ जाए। और दूसरा दूसरा है ये क्या है भाई साहब, ये भी हाँ अच्छा ये भी एक वो है, एक मैसेज है उनका, कॉपर कूलेंस, हाँ ठीक है। विद रेफरेंस टू सी बी रिजर्व कैन अटैच कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वो जो हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, मिस्टर कॉपर कूपर, और कूपर में भी उसमें भी दो खू पी पी COOPPER, उसमें भी दो, क्या बात है भाई साहब। ये तो बहुत तगड़ा एक वो है, एक रैकेट लग रहा है मेरे को, और ये सब तो नकली है ही। अब आप ये सर बताओ कि आप मेरे से क्या चाहते हो। चाहता तो मैं मतलब यही कि सब रियल था या ऐसे ही मजाक हो गया। सर ये तो बिल्कुल मजाक है, मजाक क्या है, तो सरासर ये तो धोखेबाजी है, जालसाजी है। अब मैं चाहता हूं कि आप इनको क्या करें बताओ। अब मैं ये आपको कहाँ से कॉल कर रहे हैं, किस फोन नंबर से कॉल कर रहे हैं ये लोग। जो उन्होंने मुझे एक ही कॉल किया ये LMIA वाला मेल करने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और वो जो नंबर था वो बाहर से ही था। या आजकल नंबर बना नंबर जो बाहर के नंबर बनाना ना बहुत ही कोई मुश्किल नहीं है। कई बार लोग मेरे को कॉल करते हैं तो कहीं का अमेरिका का नंबर आता है, कहीं कनाडा का नंबर आता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप, उनकी आवाज़ से मालूम पड़ जाता है मेरे को, तो मैं वो पूछता हूँ कि भाई साहब कहाँ से बोल रहे हैं, तो वो आफ्टर 1 or 2 minutes दे टेल मी कि दे आर कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। कई लोग मेरे को बता देते हैं कि वो इंडिया में बैठे हैं और लेकिन नंबर उनके पास अमेरिका का होता है। तो नंबर बनाना कोई बहुत आजकल वो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हो सकता है कि कोई आपके नांगलोई में बैठा हो, वहीं चिराग दिल्ली में बैठा हो, या कोई झंडे वाला में एक्सटेंशन में बैठा हो, वहीं से बैठ बैठ के वहां से कंप्यूटर से घुमा रहा हो फोन, और आपको लग रहा है कि ये कॉल कहाँ से आ रही है, क्योंकि कॉलर आईडी भी कुछ और आ सकता है। तो एक एक एक्सेंट में बोलते होंगे, अमेरिकन या कैनेडियन एक्सेंट में, कि आई एम मिस्टर कूपर कॉलिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये ना जो भी कुछ कह सकते हैं, कि आपको लगेगा पता नहीं शायद कूपर ही बोल रहे हैं कैनेडा से, तो ये हो सकता है। तो अब आगे का स्टेप क्या है, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब आगे क्या स्टेप अभी है। तक तो पैसे की बात हुई ही नहीं थी, उन्होंने बस मुझे ये सब इंफॉर्मेशन भेजी और उन्होंने एक बंदे का नाम दिया जो कि इंडियन एम्बेसी में जो कुछ लिखा हुआ था वहां पे, उसका फोन नंबर ईमेल एड्रेस मुझे दे दिया। थोड़ा सा रुक जाए जरा, कहाँ पर काम कर रहा था, इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है। आप चेक करो, आप अगर मेरे डॉक्यूमेंट खोलोगे तो उसमें जो आपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट था कनाडा एंड इमिग्रेशन सर्टिफिकेट वाला, इसमें डिटेल दी हुई है, इंडियन नंबर है उसमें। नहीं, इंडियन एम्बेसी तो कहीं इंडिया में होती नहीं है, हाँ कैनेडियन एम्बेसी हो सकती है वो। अच्छा उन्होंने अच्छा हाँ उन्होंने अटॉर्नी कहा था कि एक बंदा हमने सेलेक्ट किया है। रुक जाओ उसको भी आप देख लेते हैं क्या है चक्कर यार इसको भी। तो ये मेरे उसे ख्याल फोन ये जो आ रहा है करके स्क्रीन स्क्रीन पे आ रहा है, जो इंडिया का नंबर आ हाँ रहा है 9090529726 ये वाला, जी सर हाँ ये नंबर जिसे आपने, ये आपने डायल क्योंकि करके देखा कि कौन है, डायल किया। ये मुझे मेल रात को ही आई है तो अभी तक मैंने डायल नहीं किया था। तो ऐसा करते हैं कि हम ये जो वीडियो है ना, इसको वीडियो को हम पब्लिक नहीं करेंगे, एक दिन मैं आपको और देता हूँ, एक दिन आप ये, अभी आपकी सुबह के कितने 4 बज रहे हैं, अभी दिल्ली में कितने बज रहे हैं, 4:30 4:30 बज रहे5 हैं,
तो अभी मंडे शुरू हो रहा है, इसको 4-5 घंटे बाद जब आपके दिल्ली में सवेरे करीब 10 बजेंगे, तो आप इस नंबर को डायल करके इनसे बात करी लो यार, ये है कौन, हैंडी मॉरिसन नाम लिखा है, ऐसा तो नाम मैंने ज़िंदगी में आज तक सुना नहीं किसी का। और ईमेल देखिए कितनी तगड़ी वो बनाई है, एक फेक ईमेल बनाई है, तो ये सब सारा यू नो दिस इज़ ऑल बीएस। तो आप इसको इसको करके आप देख ही लें और उनसे पूछ लें, भाई साहब ऐसे बोलें कि हमें आपकी नौकरी मंजूर है, मेरे को $10,000 कि जो सैलरी आप दे रहे हैं मैं तो लेना चाहता हूँ, मैं काम भी करना चाहता हूँ, आप बताएं आपकी क्या डीलिंग है, आपको आपकी सर्विस फी कितनी देनी है, उनसे आप बात कर ही लें। ओके सर, मैं कल ही करता हूँ कॉल। हाँ इनसे इनसे आप बात कर लें और देखें फिर क्या है, फिर बताएं मेरे को क्या कर रहे हैं उनसे। अगर अगर वो बोलें आपसे कि भाई मेरे को कुछ पैसे चाहिए, $500, $1,000 कोई प्रोसेसिंग फीस है, तो उनसे आगे एक स्टेप और उनसे ये भी पूछ लेना कि भाई पैसे देने कैसे हैं आपको, ओके मतलब हमें तो वो पता करना ना कि बंदे हैं कौन किसको, उनसे ये कहना कि आप बताएं कि दिल्ली में अगर आपका नंबर है कहाँ का, जो भी कोई आदमी है उनसे बताना कि आपको पैसे हम कैश देना चाहते हैं, आके मिल के आपके दर्शन करके फिर पैसे देना चाहते हैं। अच्छा सर, और दूसरी बात यह है कि अगर अगर वो कैश लेने पे दिल्ली में अगर ऐसे फेस टू फेस मिलने से इनकार कर दें, तो उनसे कहना कि भाई आप कनाडा में बता दें, कनाडा में मेरा भाई बैठा है वो आपको पैसे दे देगा, आप बताएं आपका अकाउंट नंबर क्या है कनाडा के अंदर, ओके तो आप देखें बताएं मेरे को फिर क्या वो कहते हैं आगे। बिल्कुल सर, मैं कल ही कॉल करता हूँ, जो आपने बोला वैसे ही करूँगा। और बताइए मेरे लिए कोई सवाल आपके। नहीं सर, आपकी इतनी हेल्प बहुत है यार, क्योंकि पूरी रात आज मैं सो भी नहीं पाया, आपको पता है 4:30 बजे गए, पूरी एक रात मिनट, नहीं सो, फील पूरी हो रात आप गया। सो नहीं पाए, मेरे ख्याल आपको कुछ सपने आ रहे होंगे कि $10,000 की तनख्वाह मिल गई है, कनाडा जा रहे हैं, वहां तो 5 लाख रुपए कमाएंगे महीने के, मजे ही आ गए फिर हैं। एक तो मुझे लेटर LMI का देख के उन्होंने नाम उल्टा डाल दिया सर, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट में ऐसी कैसी मिस्टेक कर सकता है, चलो फिर इसके बारे दिमाग। में, इसके बारे में तो चलो वो ठीक है, आपका शक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अच्छा था कि वो डाल दिया, बाकी तो शक क्या है, ये सारी दाल ही काली है, ये दाल में काला नहीं है, सब दाल ही काली है ये, अपने तो फिर तो आप सर अब क्या कर रहे हैं, आप अच्छी भी बात है। ठीक हमें हमें मेरे को ये बड़ा ताजुब है कि तनख्वाह आपको जो भी उन्होंने लिखा है, पता नहीं कौन है आदमी, कहाँ से लिखा है, ये कनाडा के आदमी तो पहली बात हो ही नहीं सकते, ये वहीं कई लोग मेरे पास एक्चुअली, मैं पिछले 2 साल पहले की बात है, मैं एक्चुअली इंडिया में था उस वक्त, दिल्ली में था 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, तो वहाँ मैंने एक लोकल अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि कुछ अफ्रीका के लोग पकड़े गए हैं, दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे मालवीय नगर में, सर, क्या क्या करते हैं? वो यही काम करते थे कि लोगों को फर्जी जॉब देते थे अपने घर में बैठे कंप्यूटर से, जैसे आपको जॉब दिया ना अच्छा, वो, इसका मैंने एक पुराना वीडियो पढ़ा होगा, मेरे को याद नहीं कितना पुराना है वो, कम से कम 1.5-2 साल हो गए होंगे, तो वो अफ्रीका के कुछ लोग थे, पता नहीं नाइजीरिया घाना के कहाँ थे, 5-6 का गैंग था, तो वो साउथ दिल्ली से पकड़े गए, उनका काम था कि फर्जी जॉब ऑफर लोगों को दें, मतलब ऐसे जॉब बना के दें इंटरनेट पे, और अगर 10-15 को अगर ऑफर दिया उनमें से एक आध तो शायद फंसेगा, तो उनसे फिर वो प्रोसेसिंग फीस लेते थे, किसी से 10, किसी से 40,000, किसी से 50,000, ऐसी ऐसी लेते थे फीस, मतलब वो कहते थे प्रोसेसिंग फीस है, आप फीस जमा कर दो पहले, पैसे दे दो, और जब पैसे जमा हो गए फिर फोन वो अपना सिम चेंज कर देते थे, ये उनका था वो, अच्छा तो ये मतलब दिल्ली में ही बैठे थे अफ्रीका के कुछ लोग, तो हो सकता है कि अब मैं नहीं कह रहा हूँ अफ्रीका के या कहीं कहीं के भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि लोकल कोई आदमी कोई ऑपरेशन कर रहा हो कहीं से, घर से बैठे बैठे। सर, जो भी है इतना कहूंगा सर, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो सर, लोगों को अवेयर करने का ना, सर जी क्योंकि ये थैंक यू वेरी साथ मच, थैंक यू वेरी मच, अगर आपका आपका काम हो जाए, आपके पैसे बच जाएं, मतलब इस वीडियो से आपके पैसे बच जाएं, मेरे को बड़ी खुशी होगी, और जितने भी आगे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बच जाएं, मेरे को और से ज़्यादा भी खुशी होगी, लेकिन ताज्जुब की बात है इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि रोज ही नए नए जॉब ऑफर आ रहे हैं, रोज नए नए डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं, फिर भी जनता इतनी है कि कोई ना कोई वो जाल में फंसी जाता है, जो उस वीडियो से अभी तक लाभान्वित नहीं हुआ, इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं अभी देखेंगे, कम से कम वो तो बचेंगे ही,
लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को नहीं सुन पाएंगे और नहीं देख पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं और जाल में फंस जाएंगे। अभी कल परसों ही मैंने किसी को बात हो रही थी, तो वो जनाब उन्होंने करीब करीब 8 लाख रुपए दे चुके थे किसी फर्जी वीजा के लिए। तो सर 8 लाख 8 लाख रुपए उनके मतलब जा चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अभी सोच रहे हैं, जा चुके हैं, दे चुके हैं। तो ये बात है, देखिए जिसने भी ये बनाया है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, $8,950 वो ऑफर कर रहे हैं, और हाउस रेंट फ्री और ये सब कर रहे हैं, फीडिंग अलाउंस, फीडिंग अलाउंसेस, फीडिंग मतलब क्या, फूड मतलब 1400। इतनी तनख्वाह तो भाई साहब मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टरों को भी मिलती होगी, मिलती होगी, पर नॉट इन दिस स्टाइल के भी आपको खाने का $1400 दे रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनको जिन्होंने जो ये बना रहे हैं, शायद उनको खुद नहीं मालूम कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं है, और वो फिर आपको झांसा देने के लिए दे ही जा रहे हैं इस तरह की ऑफर्स। वही ना सर, हम जैसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा ऑफर आ गया। सर जी आप तो, मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपके पास, अगर जॉब आपकी चली गई वहां पर इंडिया में, और आपको एक 5 लाख रुपए प्लस उससे ज्यादा, और आपको अगर ऐसी जॉब मिल जाएगी तो आपको तो रातों की नींद उड़ जाएगी। अब जाके सो पाऊंगा सर, आपसे बात हुई अब जाके नींद आएगी। चिक्की अब चलो जाके कुछ नींद आएगी। थैंक यू वेरी मच, मेरे को बड़ा सुकून मिला और बड़ा इत्मीनान हुआ कि इस वीडियो के बाद आपकी कम से कम नींद तो आएगी और आप रिलैक्स होके सोओगे। नहीं तो हो सकता कि आप अपने घर वालों को बोल दो जी मैं तो जा रहा हूँ कनाडा, 5 लाख की जॉब मिल गई मेरे को है। बोल दिया था, ओ बोल दिया, क्या कहते हैं घर वाले? ना सर कि कॉल आ रही है, कनाडा से कॉल आ रही है, ये वो तो ज्यादा खुश हो गए कि अच्छा चल तो कुछ अच्छा कर रहा है। फिर मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अच्छा ही चलो मैं आपको टाइम देता हूँ कुछ, आपको अभी 4 बज रहे हैं, अब आप सो जाएं 5-6 घंटे, और 10-11 बजे जब उठेंगे तो उस नंबर पे जरूर आप उनको कॉल करें, और सीधे सीधे ऐसे बताएं कि भाई मेरे को जॉब पसंद आ गई और जॉब मेरे को लेनी है, मैं साइन कर दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट, आप बताएं आगे क्या प्रोसीजर है। तो वो जाहिर है बोलेंगे कि इतनी मेरी फीस है, जो भी कुछ है, मेडिकल है, जो भी कुछ है, तो उनसे बोलेंगे ठीक है मैं कराने को तैयार हूँ, बताओ कनॉट प्लेस कहाँ मिलना है आज, या जहाँ भी मिलना है। तो आप उनसे, आपको उनको उनको थोड़ा सा, उनका थोड़ा स्वागत करें जाके जहाँ भी, अगर कोई मिल, अगर आता है, कोई मिलने आता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, और कोई मेरे लिए कोई आखिरी कोई सवाल? नहीं सर, आप थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच कुशाल, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच सर। बाय।